मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल पलवल, क्लास 8, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 1.5। देखो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के लिए मीन्स हमें एक लाइन खींचनी है, उस पर हमें ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको शो करना है, बताना है। तो देखो मीन्स एक लाइन खींचनी है, इस पे हमें प्लस वाले और माइनस वाले दोनों नंबर लिखने होंगे। तो मीन्स जैसे कि जीरो से इधर की राइट साइड में हमारे प्लस आते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस आते हैं। तो मीन्स हमारा माइनस थ्री है वो हमारे लेफ्ट साइड में आएगा, तो मीन्स माइनस थ्री पे क्लिक वो कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे माइनस थ्री को। देखो 6.5 है, 6.5 में मीन्स 6 प्लस मीन्स 6 को होल नंबर हो गया, प्लस 0.5 को लिखने के लिए मीन्स 0.5 को क्या लिखेंगे, 5/10। 5/10 मीन्स 5/10 को किसी टेबल से करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 मीन्स 6 एंड 1/2, 6 में 1/2 और ऐड होगा, तो मीन्स 6 और उसका हाफ मीन्स 6.5। नेक्स्ट है हमारा माइनस 3.4 को मीन्स पहले तो हम प्लस वो तो माइंड में रखते हैं, वो ये नहीं शो कर दे, ये तो हमें पता है नेगेटिव है तो मीन्स लेफ्ट में आएगा। तो मीन्स 3.4 इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.4 के लिए 4/10 करेंगे, तो मीन्स 4/10 के लिए जो हमारा आंसर आएगा 2/5 आएगा। 2/5 को कैसे लिखेंगे, मीन्स हम 3 के माइनस 3 के मीन्स लेफ्ट साइड में हम 2 मतलब 5 को पार्ट करेंगे, 2 तक चलेंगे, मीन्स 2 वाले नंबर्स तक चलेंगे, तो वहां पे आएगा -3/4। 1/2 है, 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 0.5 है तो मीन्स 0 और 1 के बीच में वैल्यू पुट करेगी, तो मीन्स ये हमारी आएगी 0.5। ये वहां पे हमें ड्रॉ करना है, तो -1/3 है, इसके लिए हमारा आएगा -0.33। तो मीन्स 0.33 मीन्स -1 और 0 के बीच में वैल्यू पुट करेगी, तो मीन्स यहाँ पे आएगी हमारी 0 के बाद 33 मीन्स 0 के पास में वैल्यू आएगी मीन्स -1/3। क्वेश्चन 2 है, रिप्रेजेंट 5/6 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें 5/6 -5/6 रिप्रेजेंट करना है, तो मीन्स माइनस है, सॉरी ये ना आपको जब आपकी रेगुलर क्लास होगी ना उस टाइम समझाया जाएगा, क्योंकि इसमें ना ये जो देखो -5/6 है ये हमारे लेफ्ट में करेगा मूव, तो ये तो 0 और 1 के बीच में मीन्स आगे आपको बता दिया जाएगा रेगुलर क्लास में। ऐसे ही क्वेश्चन 3 है, रिप्रेजेंट 7/4 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे 7/4 को भी रिप्रेजेंट करना है, ये भी जब आपकी रेगुलर क्लास होगी ना जब आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन 4 है हमारा, इसमें भी ये नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, इन ये तीन नंबर्स दिए हुए हैं, इन तीनों को ही रिप्रेजेंट करना है, तो मीन्स ये हमारी उस टाइम पे जब क्लास होगी ना रेगुलर क्लास जब बता दिया जाएगा। क्वेश्चन 5 है, राइट एनी 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 और 0। -2 और 0 के बीच में जो 3 रेशनल नंबर है वो बताने है, तो मीन्स -2 को हम -20/10 भी लिख सकते हैं। तो मीन्स देखो ऊपर आप 0 बढ़ाओगे तो नीचे भी कर दो, तो मीन्स -20/10 लिख सकते हैं। तो हम जो हमारे रेशनल नंबर, हमारे 3 रेशनल नंबर कौन से आएंगे, वो 2 और 0, -2 और 0 के बीच में क्या आएगा, मीन्स -20 है तो मीन्स 0 तक लेफ्ट बढ़ते जाएंगे, तो मीन्स क्या आएगा, -19/10, -18/10, -17/10। तो इसको मतलब 3 नंबर्स पूछे तो 3 नंबर्स लिख दो, यदि और ज्यादा पूछे होते तो मीन्स 1/10 तक, हमारे -1/10 तक पहुंच सकते थे। वी कैन टेक एनी 3 रेशनल नंबर फ्रॉम अबव, आप इनको लिखना चाहो इनको लिख दो या फिर कोई और दूसरे नंबर मीन्स इस बीच में ले सकते हो। क्वेश्चन 6 है, फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8। ये जो मीन्स 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं -5/6 और 5/8, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर बताना है। रेशनल नंबर हमारा मीन्स फ्रैक्शन ही होता है। वी फर्स्ट कन्वर्ट देम रेशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर, तो मीन्स हम पहले तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसके लिए क्या करा जाएगा, जो हमारे दोनों का डिनोमिनेटर है 6 और 8, दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके 6 और 8 का एलसीएम आएगा हमारा 24। तो मीन्स दोनों का जो डिनोमिनेटर 24 आ रहा है कौन सी टेबल से, मीन्स 6 मैं ऐसी कौन सी टेबल से मल्टीप्लाई करें 24 आएगा, मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर में करेंगे, तो मीन्स हमारा क्या आएगा,
फाइव मल्टीप्लाई फोर और जो सिक्स मल्टीप्लाई फोर हमारा आंसर आएगा माइनस 20/24। और दूसरा वाला नंबर है हमारा एट में थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, तो मीन्स फाइव में थ्री से मल्टीप्लाई और एट में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 15/24। तो मीन्स हमारे टू नंबर आ गए माइनस 20/24 और 15/24, इन दोनों के बीच में 10 नंबर्स बताने हैं। तो मींस हमारा क्या आएगा 19/24, 18/24, 17/24, 10 नंबर्स हैं, बहुत नंबर मिल जाएंगे। मींस इसको यहाँ तक लिखना है 19/24 तक, मींस वो तो माइनस था और यहाँ पे प्लस तक पहुंच जाएंगे। आगे समझ में? अब नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर से कोई भी 10 लिख दो आप। फाइंड द फोर रेशनल नंबर, हमें फोर रेशनल नंबर बताने 2/3 एंड 4/5, ये दो नंबर्स दे रखे हैं, इन दोनों के बीच फोर रेशनल नंबर बताने हैं 2/3 और 4/5 के बीच। अब देखो इन दोनों में डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3 और 5। अब देखो दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, 3 5 का कितना, मतलब दोनों का एलसीएम क्या आएगा 15। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम नंबर से हम ऐसे डिवाइड करेंगे या मतलब डिवाइड या मल्टीप्लाई दोनों कुछ भी कर सकते हो। मीन्स 2/3 में 15 लाने के लिए, डिनोमिनेटर 15 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो मीन्स 10/15 आ गया। सेकंड है हमारा 4/5, इसमें 15 डिनोमिनेटर लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मीन्स हमारा क्या आएगा 12/15। अब देखो 10/15 को हम क्या लिख सकते हैं 14/60 एंड 12/15 को हम क्या लिख सकते हैं 48/16। मीन्स 4 से मल्टीप्लाई किया है, दस वी हैव रेशनल नंबर 41/60, 42/60, 43/60, 44/60। वो फोर लेने ना हमें रेशनल नंबर, तो मीन्स हमारे ये भी हो सकते हैं। और दूसरे जो हमने यहाँ पे किया ना 10/15 और 12/15, इससे भी हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं 10/15, 11/15, बट यहाँ पे दो रेशनल नंबर होंगे, तो इसके लिए हम और ज्यादा हमने और आगे बढ़ाया है। तो मीन्स पहले तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर हम दोनों के मतलब सेम डिनोमिनेटर के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, 60 आ गया दोनों का डिनोमिनेटर, फिर 40 और 48 के बीच में तो काफी गैप हो गया, तो इसलिए हम 4 डेसिमल नंबर के लिए क्या आ गया हमारा 41/60, 42/60, 43/60। और हमारा क्वेश्चन 8 है फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड 5/3। ये टू रेशनल नंबर दिए, वो जो टू फ्रैक्शन दिए हैं ना, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर बता दें हमारे एल्स। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है हमारा 2 एंड 2 और 3। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 3 का क्या आएगा 6। तो मीन्स हम यहाँ पे जो हमारा -3/2 है ना, इसमें डिनोमिनेटर 6 लाने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो -3 में 3 से मल्टीप्लाई और 2 में 3 से मल्टीप्लाई क्या आएगा -9/6। अब नेक्स्ट है हमारा 5/3, यहाँ पे 6 लाने के लिए 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मीन्स 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में, तो मीन्स 10/6 आएगा। तो मीन्स 10 भी है रेशनल नंबर, तो मीन्स टू नंबर्स बन गए हमारे 9/6 और 10/6। तो मीन्स यहाँ से हम रेशनल नंबर निकालेंगे -8/6, -7/6, -6/6, मीन्स यहाँ तो हमारे बहुत आगे तो 9/6 तक बढ़ते जाएंगे, तो मीन्स माइनस से प्लस में जाएंगे, तो यहाँ पे तो काफी सारे मिल जाएंगे। आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो इनमें से 5, या तो आप शुरू के ले लो या लास्ट के ले लो, कोई भी 5। क्वेश्चन 10 है 5/10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये जो हमें टू फ्रैक्शन दे रखे हैं, इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर क्या है हमारा 5 और दूसरे का क्या है 2। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 10 आएगा, तो मीन्स यहाँ पे -2/5 में डिनोमिनेटर 10 लाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो मीन्स -4/10 आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 1/2, यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 लाने के लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो मीन्स न्यूमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारा 5/10 -4/10। अब देखो -4/10 और 5/10 मीन्स इन दोनों के बीच में तो इतने नंबर वो नहीं हो सकते, मीन्स हमारे 10 नंबर्स नहीं आ सकते, 10 से लेस ही आएंगे, तो मीन्स इनको फिर दोबारा वो किया गया है, मीन्स आगे फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटा गया है, तो मीन्स 5 दोनों का डिनोमिनेटर दोनों 10 है, अब और ज्यादा बढ़ा दिया है, मतलब कि आगे बड़ा कर दिया है, तो मीन्स 20 कर दिया है दोनों का डिनोमिनेटर, तो मीन्स क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, -4/10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8/20। अब 5/10 में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे तो मीन्स क्या आएगा 10/20।
दस वी हैव रेशनल नंबर. अब देखो माइनस 8/20 और 10/20 इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर्स, 10 से भी ज्यादा आएंगे आप कोई भी रेशनल नंबर दे सकते हो. तो मीन्स हमारा रेशनल नंबर क्या आएगा, 7/10, 6/10, 5/10, 4/10, -4/10, -3/10, -2/10. तो मीन्स प्लस के में पहुंच जाएंगे 1/20 और वो मीन्स आगे तक पहुंच जाएंगे. अब हमारा क्वेश्चन 10 है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4. देखो जो हमारे टू नंबर्स दे रखे हैं इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर बताने हैं. मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 5 और 4. 5 और 4 दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20. 20 है तो मीन्स 3/5 में डिनोमिनेटर 20 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो मीन्स 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/20 आएगा, और 3/5 में 4 से मल्टीप्लाई करा तो 12/20 आया, और 3/4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/20 आएगा. अब देखो इनको फिर दोबारा वो किया है, मल्टीप्लाई किया तो मीन्स 4 से मल्टीप्लाई किया है तो वो जो 20 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, और 4 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48/80 आएगा, और नेक्स्ट से 15/20 में 4 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को तो क्या आएगा हमारे 60/80. तो मीन्स इन दोनों के बीच रेशनल नंबर क्या आएगा हमारा, 48 के बाद 49/80, 50/80, 51/80. तो मीन्स 60 तक लेके जा रहे हैं तो मीन्स 59/18 तक लेके पहुंच जाएंगे. मीन्स सारे वो 10 रेशनल नंबर लिखना है, कोई भी 10 ले सकते हो आप.